हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेब टेक जोन। आज हम सीखेंगे दोस्तों गूगल में मोबाइल नंबर कैसे सेव करें, चाहे वो आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट के मोबाइल नंबर हो, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हो जो गूगल में आपको कैसे सेव करना है, चाहे वो आपका खुद का मोबाइल नंबर हो वो आप अपने अकाउंट में कैसे सेव करें, ये हम देखेंगे। दोस्तों मोबाइल नंबर अकाउंट में सेव करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है और वो सबको नहीं मालूम होता, तो आज मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट का सॉफ्टवेयर 100% रहेगा, ये आप देख लीजिए आपके मोबाइल में। अगर नहीं है दोस्तों, ये गूगल का है सॉफ्टवेयर, इनबिल्ड होता है, कोई थर्ड पार्टी का ये एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पे जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर आप टाइप कीजिए कॉन्टैक्ट टाइप कीजिए। ये कॉन्टैक्ट स्पेलिंग मिस्टेक हो गया लेकिन आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये कॉन्टैक्ट आ गया है और आप देख सकते हो दोस्तों ये गूगल का ही है कॉन्टैक्ट, सब अपडेटेड है। अपडेट यहाँ पे अगर ओपन आता है आपका तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है दोस्तों। अगर यहाँ पे अपडेट आ रहा है तो प्लीज़ अपडेट कीजिए, बिकॉज अपडेट करने से आपको और फीचर्स यूज़ करने में आसानी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी ओपन हूँ तो मैं कॉन्टैक्ट्स में जाऊँगा। मेरे डिवाइस में तो कोई एक ही मैंने कॉन्टैक्ट सेव किया था जो कि मेरे गूगल में आ गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले तो मैं बताऊँ कॉन्टैक्ट्स, ये जो कॉन्टैक्ट्स है इसमें आप जो भी कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल के नंबर सेव करोगे वो भविष्य में आपको मिलेंगे। शर्त इतनी है कि इस कॉन्टैक्ट में आप कौन सा ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हो वो आपको देखना होगा, कौन से ईमेल आईडी पे आप बैकअप ले रहे हो। तो ये देखिए ये ईमेल आईडी है मेरा जीमेल का, अगर आपके पास जीमेल का ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन में जीमेल का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट करिए और वहाँ पे आप तो दोस्तों ये जो अकाउंट है यही अकाउंट आपका गूगल कॉन्टैक्ट्स में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐड अकाउंट कीजिए, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करें तो 100% आपके पास गूगल अकाउंट रहेगा, नहीं रहेगा तो यहाँ पे ऐड कीजिए। और ध्यान रखिए इसी अकाउंट में आपके कॉन्टैक्ट आपको भविष्य में मिलेंगे। अगर आपका फ़ोन लॉस हुआ, चोरी हुआ तो दूसरा फ़ोन लोगे तो गूगल कॉन्टैक्ट्स डाउनलोड करना है फिर से और उसमें इसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, तो आपको यहाँ पे सब आपके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे पुराने। तो यहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों, जाना है आपके इसमें और क्या बोलते हैं आपके ईमेल आईडी पे, ओके, या आप ईमेल आईडी पे देखिए आपका वही कॉन्टैक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप अनदर अकाउंट ऐड कीजिए। अभी आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे जाना है आपको और जाना है दोस्तों सेटिंग में दोस्तों क्लिक कीजिए। सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट सिक्योरिटी सेटिंग आ जाएगा, इसको क्लिक कीजिए और दोस्तों ये दोनों आपका ऑफ रहेगा, इसको ऑन कीजिए। ओके, ऑन कैसे करते हैं, इसमें जाना है और ये आपका बंद रहेगा, इसको ऑन करना है। फिर से इसमें जाना है, ये बंद रहेगा, इसको ऑन करना है और आपको ईमेल आईडी पूछेगा फिर से कौन से ईमेल आईडी में आपको कॉन्टैक्ट सेव करना है, तो ये ईमेल आईडी फिर से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर बैग आ जाइए, फिर आपके मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट्स रहेंगे वो आपको ऑनलाइन भी आप दोस्तों इसको आपके कंप्यूटर में भी देख सकते हो। कंप्यूटर में क्या करना है, गूगल में जाना है आपको, कंप्यूटर में जाना है वही ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। गूगल में जाओगे तो वही ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है दोस्तों, यहाँ पे ईमेल आईडी वही होना चाहिए और दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जाना है कॉन्टैक्ट में। ये देखिए आप ऑनलाइन भी अपना कॉन्टैक्ट देख सकते हो, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट था, देखते हैं वो दिख रहा है कि नहीं। ये दोस्तों आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो, कंप्यूटर में भी आपका कॉन्टैक्ट सब दिख जाएगा। ये देखिए अभी मैं ब्राउज़र में हूँ, मेरा एक ही कॉन्टैक्ट था जो मैंने दिखा था, ये देखिए संजय बॉस करके एक ही कॉन्टैक्ट है मेरा, यहाँ पे मोबाइल कॉन्टैक्ट में आपको दिखाता हूँ मैं, मेरा एक ही कॉन्टैक्ट है ये देखिए, जो बैकअप ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों कभी भी मेरा फ़ोन लॉस हो जाए, गुम जाए, मेरा मेमोरी ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे ऑनलाइन मेरे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे और कभी भी मैं अपने नया फ़ोन ले लूँ तो उसमें मेरे सब कॉन्टैक्ट दिख जाएंगे। शर्त इतनी ही है कि आपको ईमेल आईडी याद रखना है, वही ईमेल आईडी है, पासवर्ड भी सब आपको उसमें रिकवरी आपका पासवर्ड जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो प्रॉपर रखना है, ताकि आप अगर पासवर्ड भूल जाए तो उसको रीसेट कर सके। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपका डाउट्स क्लियर हुआ होगा। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि मेरे
अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। और कुछ डाउट्स रहा होगा जो क्लियर नहीं हुआ है इस ईमेल वीडियो में, तो प्लीज़ 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 कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका 100% आंसर दे दूँगा दोस्तों, या अलग से वीडियो बना दूँगा आपके लिए जिससे आपको आंसर मिल जाए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।